students, today in this video we'll be discussing the questions which was given to you the previous day. The first question is, round off 89,78,083 to the nearest 10 lakh. इसे हमें क्या राउंड ऑफ करना है, 89,78,083 को टू द नियरेस्ट 10 लाख. तो जो भी हमें राउंड ऑफ करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके एक पहले वाले प्लेस को देखते हैं. ठीक है, जब भी हमें कोई भी राउंड ऑफ करना रहता है तो उसके हम लोग एक पहले वाले प्लेस को देखते हैं. जैसे नियरेस्ट 10 में वंस प्लेस को देखते हैं, नियरेस्ट 100 करना रहता है तो टेंथ प्लेस को एग्जामिन करते हैं, नियरेस्ट 1000 करना है तो 100 प्लेस को करते हैं हम लोग एग्जामिन. तो उसी तरह हमें यहाँ पे नियरेस्ट 10 लाख करना है. द क्वेश्चन इज, नंबर क्या है, 89,78,083. इसे हमें क्या करना है, नियरेस्ट 10 लाख करना है नियरेस्ट में. तो नियरेस्ट 10 लाख है तो हम लोग कौन से प्लेस को एग्जामिन करेंगे. 10 लाख के पहले क्या आता है, लाख प्लेस आता है. तो हम लोग पहले किसको देखेंगे, लाख प्लेस को एग्जामिन करेंगे. एंड लाख प्लेस में हमारा क्या है, यहाँ पे 9 है. दिस 9 इज ग्रेटर देन 5. जब 9 यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है तो राउंड अप होगा. राउंड अप में दो काम, 0 भी और प्लस 1 भी. दैट इज 8 पे प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ 0 0 0 0 0 0. तो कितना आ गया हमारा, 3 के जगह पे 0, 8 के जगह पे भी 0, देन फिर अगेन 0 के जगह पे भी 0, यहाँ भी 8 और 7 के जगह पे 0, 9 के जगह पे भी 0 और 8 प्लस 1 विल बी 9. दैट इज 89,78,083 का नियरेस्ट 10 लाख कितना आ गया, 90 लाख. द सेकेंड क्वेश्चन इज, एस्टिमेट द डिफरेंस टू द नियरेस्ट लाख. ये जो नंबर्स है इसका डिफरेंस को हमें, इनके डिफरेंस को हमें क्या एस्टिमेट करना है, राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट लाख करना है इसके डिफरेंस को. ठीक है, व्हाट आर द नंबर्स, 8275038 एंड द नेक्स्ट इज, पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों जो नंबर्स है क्या दोनों इक्वल डिजिट्स के नंबर है. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों इक्वल डिजिट्स के हैं. तो डिफरेंस पहले निकालते हैं, दैट इज पहले हो जाएगा क्या, दिस इज 8,27,50,380 और दूसरा वाला क्या है, 2,07,17,593. पहले डिफरेंस निकालते हैं, दैट इज 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7, दिस विल बी 17 अगर बोरो लेगा तो. तो 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8 एंड 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7 और ये बोरो लेगा तो 10 है, फिर इसको दे दिया तो ये भी 9 बन जाएगा. 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 एंड दिस विल बी 4. 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3, दिस विल बी 0 ओवर हियर, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 6. ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस क्या आया, 6,20,32,787. अब हमें क्या एस्टिमेशन करना है, नियरेस्ट लाख करना है. नियरेस्ट लाख में हम लोग कौन से प्लेस को देखते हैं, एक प्लेस पहले. तो यहाँ पे हमें नियरेस्ट लाख करना है, तो नियरेस्ट लाख में हम लोग क्या देखेंगे, कौन से प्लेस को एग्जामिन करेंगे. लाख के पहले कौन से प्लेस आता है, लाख के पहले नियरेस्ट, लाख के पहले 10,000 प्लेस आता है. तो कौन सा हमारा 10,000 प्लेस पे है, 1, 10, 100, 1,000, 10,000. यहाँ पे दिस इज 10,000, तो दिस इज 10,000 विच इज़ लेस देन 5. लेस देन 5 है तो क्या हो जाएगा, राउंड डाउन, दैट इज़ सिर्फ 0 होगा. दैट इज़ ये कितना हो जाएगा, यहाँ से सारे ज़ीरोज़, दैट इज़ 6, 2, 0 और 1, 2, 3, 4, 5, 5 ज़ीरोज़ और लग जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 6,20,00,000. ना नेक्स्ट इज, एस्टिमेट द प्रोडक्ट टू द नियरेस्ट 1000. इसमें हमें प्रोडक्ट को, मतलब जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उस प्रोडक्ट को नियरेस्ट 1000 करना है. ठीक है, प्रोडक्ट को नियरेस्ट 1000 करना है. तो फर्स्ट विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट ओवर हियर. तो प्रोडक्ट हम, नंबर हमारा क्या क्या है, 70935 मल्टीप्लाई कैसे करना है, 36 से. प्रोडक्ट निकालते हैं, 6 5 30, 3 कैरी, 6 3 18, 18 plus 3 21, 1 year, 2 कैरी, 6 9 54, 54 plus 2 is 56, 5 carry, 6 0 0 0 plus 5 is 5 and 6 7 42.
हाँ, 3 5 15, 1 कैरी, 3 3 9, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 3 6 3 9 27, 27 प्लस 1 28, 2 कैरी, 3 0 0, 0 प्लus 2 is 2, एंड 3 7 20, 1. नाउ द सम, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, 0 6 6, 8 प्लस 5 will be 13, देन 5 1 कैरी, देन 6, एंड ये 2. ये आ गया हमारा प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट को क्या नियरेस्ट करना है, प्रोडक्ट को नियरेस्ट करना है 1000. दैट इज कौन से प्लेस को एग्जामिन करेंगे, विल बी एग्जामिनिंग द 100 प्लेस. तो 100 प्लेस यहाँ पे क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 5, दैट इज राउंड अप, दैट इज 0 भी होगा और +1 भी, यहाँ पे +1 और सारे 0, दैट इज 2 6 5, 3 प्लस 1 भी 4, एंड 1 2 3 3 0s. ठीक है, तो ये कितना आ गया, 26,54,000. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द क्वोशंट. क्वोशंट जो आएगा यहाँ पे डिवीजन करने के बाद जो क्वोशंट आएगा उसे हमें एस्टिमेट करना है. ठीक है, तो पहले हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है. 212588, 212588 डिवाइडेड बाय 697. तो वन टाइम में तो 212 तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिवाइज़र क्या है, 697 है. तो टू टाइम्स में ये 1300 कुछ आएगा. पहले मल्टीप्लाई करके देखते कितना आता है, और वी कैन राइट इट द टेबल ओवर हियर. टेबल लिख लेते हैं, 6 9 और 7 का टेबल भी हमने सीखा है यहाँ पे कि कैसे लिखते हैं. 6 का अलग, 9 का अलग, 7 का अलग, और फिर ऐड करके लिख देते हैं. दैट इज ए 12, देन 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. फिर ये 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, एंड 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. ऐड करते हैं, दैट इज़ ये आ जाएगा कितना, 14 का 4 यहाँ पे लिखे, 19 का 9, एंड 1 कैरी 13. ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 कैरी जाएगा, तो 27 प्लस 2 विल बी 29, 9 लिखेंगे 2 कैरी, 18 प्लस 2 विल बी 20. फिर यहाँ पे दिस विल बी 8 ओवर हियर, ये 2 जाएगा, 36 प्लस 2 विल बी 38, तो फिर 3 कैरी, 24 प्लस 3 विल बी 27. अब इतना ही में देखते हैं कि आता है क्या हमारा, तो सिर्फ 2 तो डिवाइड होगा नहीं, 21 भी डिवाइड नहीं होगा, 212 भी डिवाइड नहीं होगा. 2125 से छोटा क्या आता है, 2091 आता है थ्री टाइम्स में. 2091 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना डिफरेंस आया, दिस विल बी 4 4, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3, 34 डिफरेंस आया. यहाँ पे रिमाइंडर, अब ऊपर से क्या उतरेगा, 8 उतरा, दैट इज़ ए, उतरने के बाद भी छोटा रह गया तो हम लोग यहाँ पे 0 बैठाते हैं, फिर 8 उतरेगा, तो 3 4 8 8 से छोटा. और आगे देखते हैं, यहाँ 5, फिर ये 4, 3 कैरी गया, दैट इज़ 45 प्लस 3 विल बी 48, 4 कैरी, एंड 4 कैरी होगा तो दिस विल बी 34, दैट इज़ आ रहा है कितना, 3 4 8 5, और यहाँ पे 3 4 8 8, तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स में कितना आया, 3 4 8 5, और रिमाइंडर कितना आ गया, 3. दिस इज़ द क्वेश्चन 305. अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आया है 305, और उसे हमें एस्टिमेट करना है. यहाँ पे बताया हुआ नहीं है कि हमें कौन सा एस्टिमेट करना है, कौन सा नियरेस्ट करना है, 10 नियरेस्ट 10 करना है, 100 करना है कि 1000 करना है. यहाँ पे देखिए, हमारा मैक्सिमम जो डिजिट है 3 डिजिट का है, मतलब 3 डिजिट किस में होता है, 3 डिजिट होता है 100 में. तो मतलब इसको क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 करेंगे. ठीक है, नियरेस्ट 100 में कौन से प्लेस को देखेंगे, नियरेस्ट 100 में 10th प्लेस को देखेंगे. दिस 10th प्लेस विच इज़ लेस देन 0, सॉरी लेस देन 5, दैट इज राउंड डाउन. राउंड डाउन जब होगा तो क्या हो जाएगा, 300. मतलब एस्टिमेटेड क्वेश्चन कितना आ गया, 305 का 300. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर, द नंबर विच इज 15,000 मोर देन 2,64,395. 15,000 मोर निकालना है. ठीक है, 15,000 मोर किस में, 2,64,395 में. याद रखिए, जब भी मोर रहता है मतलब हमें ज़्यादा निकालना है. तो मोर निकालना मतलब ज़्यादा निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. इस 15,000 को
264,395 में ऐड करेंगे, और दूसरे में क्या है, द नंबर विच इज़ 23,896 लेस देन 5,86,194, 23,586 लेस करना है। जब लेस करना है मतलब कम करना है, तो कम करना है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डैट इज मोर रहेगा। तो याद रखिए, जब मोर रहेगा तो ऐड करते हैं, और जब लेस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ 264,395 में, 264,395 में 15,000 मोर करना है, 15,000 मोर करना है मतलब क्या करेंगे, लोग ऐड करेंगे, दैट इज़ कितना हो जाएगा, ये 593,972, दैट इज़ कितना आ गया, 279,395। एंड नेक्स्ट में 23,896 लेस करना है मतलब कम करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 23,896 को, तो 5,86,194 में 23,896 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो दिस विल बी 8, देन 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9, और ये 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2, एंड 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6, एंड दिस विल 5, दैट इज़ आगे कितना, 5,62,298। तो ये था हमारा रिविज़न का आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।